बजट पर चर्चा और परिचर्चा तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी सोसाइटी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुंबई और सभी छोटी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी संस्थाओं को लेकर के आज जो कार्यक्रम हो रहा है बजट को लेकर के, आप इस विषय पे क्या सोचना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे व्यापारियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरा मुझसे कुछ सवाल पूछे है कि व्यापारियों के लिए जो हमारा बजट आया है इसमें हमारे गवर्नमेंट ने व्यापारियों के लिए पर्टिकुलर क्या उन्होंने दिया है, इसका विश्लेषण हमारे चावला साहब जो यहाँ पे आए हैं वो हम सभी व्यापारी वर्ग यहाँ पे सारे एसोसिएशन के, मेटल मार्केट एसोसिएशन के है, जवेरी बाजार मेटल के एसोसिएशन के व्यापारी लोग बंधु यहाँ पे आज सादर आमंत्रित हुए हैं, तो उस बजट के क्या क्या फायदे है और हमारा भारत देश जो इस कोरोना काल के बाद में लड़ाई करते हुए पूरे विश्व के सामने उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि कोई भी बड़ी महामारी आ जाए उसके बावजूद भी हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर और भारत के लोगों के अंदर में जो हिम्मत है उसको कैसे हम भारत को प्रकृति के राह पर लेके चाहे आगे, उस प्रकार का मान श्रीमती सीतारमण जी ने हमारे देश के हरेक वर्गों के लिए, गरीबों के लिए देखेंगे आप, व्यापारियों के लिए देखेंगे, तो सभी संतुलन बना के पूरे भारत में सभी लोगों का ख्याल रखते हुए उस बजट को एक नींव रखी है जो आने वाले भारत को स्वर्णिम इतिहास में कैसे आगे लेके जाया जाए, ऐसा बजट हमारे माननीय सीतारमण जी ने दिया है। और मतलब बजट सब जगह से अच्छा ही दिया है, खाली गोल्ड वालों को कुछ नहीं दिया है इसने, बजट ने डायमंड वालों की ड्यूटी घटाई, बाकी सब कृषि वालों को बहुत कुछ दिया, कपड़े बाजार में कुछ नहीं किया, ड्यूटी वगैरह नहीं बढ़ाई, तो मतलब खाली गोल्ड वालों को रखा, बाकी सब कुछ दिया है लोगों को। हमको एक्सपेक्टेड था कि 6% ड्यूटी घटेगी गोल्ड के लिए, लेकिन 1% का भी कुछ नहीं किया सरकार ने। सरकार से यही बात करेंगे कि आप कुछ ऐसे कॉम्पिटेटिव रेट के अंदर आप गवर्नमेंट उनको अलाउ कराए 12.5% की ड्यूटी से, दूसरे देशों से अपने देश के अंदर इतनी सारी उस कॉस्ट के अंदर लगभग 10,000 रुपये का ज्यादा हमें गोल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड खरीदते वक्त देना पड़ रहा है, तो ये तो क्या ठीक है बात हुई, ड्यूटी की बात हुई, लेकिन जहां तक गोल्ड बिजनेस के लिए है वहां भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि जिससे गोल्ड बिजनेस करने में लोगों को रुकावट आ रही है। इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ा, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? एक रीजन गवर्नमेंट ने जो दी है कि अगर हमारा स्लैब 3 लाख रुपया है, 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं भरना है, हम अगर उसको 4 लाख रुपया कर देते हैं, ये ऑफिशियल चीज स्टेटमेंट आया हुआ है कि जो लोग 3 लाख बताते थे वो इनकम 4 लाख बता देंगे, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता स्लैब बढ़ने पे। लोग इतना ही देखते आगे जा रहे हैं कि जो मुझे कितना इनकम इसको टैक्स नहीं भरना है उतनी इनकम ज्यादा दिखाते हैं और वो उधर स्टॉप हो जाता है। तो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस सेक्रेटरी उनका बोलना था कि लोग अपनी सही इनकम शायद नहीं दिखाते हैं, तो स्लैब बढ़ाने के बाद उनको अगर बढ़ाएंगे तो उसका बेनिफिट लोगों को नहीं जाएगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सरल तरीके से बात बताई कि लोगों के मस्तिष्क में रहता है कि स्लैब नहीं बढ़ा, स्लैब नहीं बढ़ा, लेकिन स्लैब नहीं बढ़ने के पीछे आपने एक लॉजिकल, एक प्रोफेशनल और एक इकोनॉमिकल बात बताई कि इस वजह से ऐसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।